हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल कॉल लाइफ इज ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। देखिए, और जब आप सही तरीके से ऑब्जर्व किएंगे तो हैचेस आप देख सकते हैं इसका क्या फ़ायदा है। ओके, लॉस कुछ भी नहीं, थोड़ा सा फाइनेंशियली या फिर फाइनेंशियली अन इकोनॉमिकल हो जाएगा, बट आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा। दोस्तों, ये क्यों करना चाहिए और इसका क्या फ़ायदा है मैं बताऊँगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। मान लीजिए आपके पास एक 40x60 फीट का एक जगह है और इसके लिए कितना खर्चा हो सकता है और कितना डिस्टेंस पे करना चाहिए, करने के बाद क्या फ़ायदा है। तो देखिएगा व्यूअर्स, इसको बोलते हैं हैचस या फिर सांचा, नॉर्मल सांचा, हैसस, हैचस या फिर रफनेस। ओके, ये कुछ नाम से इसको जाना जाता है। कितना दूरी पर करना, ये देखिएगा, चार हर एक 3-3 इंच की दूरी पर करना चाहिए। उसे क्या है, जो भी आप प्लास्टरिंग वर्क करते हैं ना, वो सही तरीके से बैठ जाएगा, प्लास्टर सही तरीके से यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, वो करना चाहिए, आपका बेनिफिट काफ़ी है इसमें। एंड जितना आपका फुल, जितना भी चाहे वो स्लैब हो, जो भी हो, यहाँ पर देखिएगा जितना भी फुल स्लैब है वो फुल वर्क ऐसे ही बनाया गया। ओके, आप भी बना दीजिएगा आपके घर में। एंड ये बनाने में आपको कितना खर्चा आ सकता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिएगा व्यूअर्स, ये बनाने में ना आपको लगभग 5,000 रुपये का खर्चा जाएगा, 5 से 6,000, डिपेंड करता है वर्कर के ऊपर। तो मेरा सजेशन है कि आप एक साथ गुत्ता दीजिएगा। ओके, ऐसा ये मत करिएगा कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, या फिर लेबर वाइज आप दिए तो अच्छा नहीं हो जाएगा काम। लगभग जो है ना, आप 5,000 में दिए तो क्या है, ग्रिप अच्छा पकड़ लेगा प्लास्टर करते वक्त। अब सीलिंग करवाए ना करवाए, सीलिंग करवाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एंड कब करना, ये छत डालने के बाद वो निकालते हैं ना, उसका जो सपोर्टिंग या फिर जो पिलर, उसका नेक्स्ट डे आप कर सकते हैं। लगभग आप 14 दिनों तक रखते हैं, है ना दोस्तों, 14 दिनों तक रखते हैं। 14 दिनों के बाद क्या है, आप ऐसा काम करते हैं, काफ़ी अच्छा और सफिशेंट आ जाएगा। एंड इधर साझा देख सकते हैं, छत का जो लकड़ी सपोर्टेड रहता है ना, वो निकालने के बाद काम को शुरू कर सकते हैं। 21 दिनों तक पानी पिलाने के बाद आप ऐसा काम कर सकते हैं। और इतना ज़ोर से भी नहीं करना कि क्रैक पड़ने जैसा, वो भी समझदारी से काम करना, ठीक है दोस्तों, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। ऐसा पूरा फुल व्यू मैं दोबारा आपको अच्छा से दिखाऊँगा, देख सकते हैं आप पूरा दीवार पर साँचा। तो ऐसा ही एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो मैं बताया हूँ कौन सा जगह पे किधर किधर करना, जहाँ पे भी आरसीसी वर्क हो रहा है ना, उस जगह चाहे वो अंदर हो, बाहर हो, किधर भी आउटसाइड स्लैब हो, कहीं पे भी हो, आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जहाँ पे भी कॉलम हो, बीम हो, जहाँ पे आरसीसी वर्क चल रहा है ना, वहाँ पर आप करना चाहिए। बेनिफिट वही मैं बताया ना आपको। और साँचा मारने का भी एक मेथड रहता, कैसा मारना, सीधा मारने से भी अच्छा है। देखिएगा दोस्तों, अगर आप मान लीजिएगा स्ट्रेट टू स्ट्रेट मारे तो ऑलरेडी ये वर्टिकल है, उसके ऊपर आप स्ट्रेट साँचा मारे तो फिसलने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जितना हो सके उतना वर्टिकल भी मारना, सॉरी हॉरिजॉन्टल मारना या फिर इंक्लाइंड मारना, इंक्लाइंड मारते गए तो ही फायदा है आपको। और ये कितना लंबाई रहना, 2 इंच तक आप मार सकते हैं, 2 इंच से लेके 3 इंच तक, 2-2 इंच तो मारना चाहिए ऐसा। ये था देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा वर्टिकल, बिकॉज वर्टिकल हुआ है, वर्टिकल से अच्छा है कि थोड़ा सा इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल मारने से आपको फायदा हो जाएगा। दैट्स इट।